ये बजाज पल्सर है और आप इस नाम को अच्छी तरीके से जानते होंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फेमस बाइक है और उसमें भी ये है बजाज पल्सर N150। और भाई इस बाइक में 2024 में ये फुली डिजिटल मीटर आया हुआ है क्योंकि इससे पहले इसमें डिजिटल और एनालॉग मीटर आया था, लेकिन अब इसमें ये अपडेट आ चुकी है। और इसके अलावा इस बाइक में और भी बड़ी बड़ी अपडेट आई हैं जिनके बारे में आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। बस भाई बने रहें वीडियो के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये सभी बाइकें उपलब्ध हैं JPS बजाज निकट टेढ़ी पुलिया लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ पर बजाज की किसी भी बाइक को साथ में चेतक को भी खरीद सकते हैं क्योंकि बगल में चेतक स्कूटर है। अब सबसे पहले हम इसके अपडेट की बात करते हैं तो देखिए मॉडल और डिज़ाइन वही है। सीधा मुद्दे पे आ जाता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले राहुल यहाँ पर दिखाओ, ये इसमें स्विच चेंज हो चुकी है क्योंकि इससे पहले ये स्विच नहीं आती थी। यहाँ पर इसमें एक बटन ये एक्स्ट्रा आ चुकी है, बाकी इंडिकेटर की हॉर्न की बटन थी, लेकिन यहाँ पर ये दिखाओ, ये दिखाना ज़रा, ये बदल चुकी है ये वाली बटन। ये देखिए यहाँ पर ये पास की बटन है, लेकिन तीन चीज़ें बनी हुई है। इससे आप ऐसे बाहर कर देंगे तो हाई बीम, ऐसे लो बीम, और यहाँ पर ऐसे ऐसे पास करेंगे। अब यहाँ पर ये नया बदला हुआ है, मतलब ये पूरी स्विच चेंज हो चुकी है। अब इसके अलावा ये M यहाँ पर M लिखा हुआ है, ये मोड की बटन इसमें यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे इंजन किल की स्विच ये पहले से ही आती थी, और यहाँ पर ये भाई सेल्फ की स्विच है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप चाबी देखेंगे पल्सर N150 की। और हाँ एक चीज़ मुझे याद आ चुकी है, मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर आप जैसे JPS बजाज पे बहुत से लोग पूछते हैं भाई फाइनेंस की कोई स्कीम बताओ, तो अगर आप इस 2024 मॉडल को फाइनेंस करवाना चाहते हैं और अगर आपका क्रेडिट और प्रोफाइल बिल्कुल सही है तो कंपनी 95% लोन करती है। मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, आप 13,000 रुपये देकर, सब कुछ अगर आपका सही है तो मात्र 13,000 रुपये में पल्सर N150 खरीद सकते हैं। अब आते हैं इसके फीचर्स की तरफ कि इसके मीटर में आपको क्या क्या मिलता है। तो देखो दोस्तों, अभी तक जैसे बजाज कंपनी अपनी सभी बाइकों में RPM मीटर का जो मोह है, जो प्यार है, वो नहीं छोड़ रहे थे। यहाँ बड़ा सा RPM मीटर रहता था और यहाँ पर आपको छोटा सा डिजिटल मीटर मिलता था, लेकिन फाइनली बजाज ने सब कुछ दे दिया है, यहाँ तक कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे ब्लूटूथ का, थोड़ा सा और नज़दीक करके रखना, यहाँ पर ब्लूटूथ का सिंबल बन रहा है। यहाँ पर चला गया क्या? अब एक बार मैं स्विच ऑफ करूँगा और आप इसके सारे फीचर्स देख लेंगे। ये देखिए बहुत सारे फीचर्स हैं, एक बार में तो आप देख भी नहीं पाएंगे। सबसे पहली बात तो गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिल रहा है, फ्यूल यहाँ पर बता रहा है, RPM मीटर यहाँ पर है आपको, यहाँ पर आपको ट्रिप भी है, यहाँ पर आपको ओडोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार यहाँ पर ये बताएगी। और बाकी यहाँ पर जैसे इंजन ऑफ है, यहाँ पर दिखाना ज़रा, इंजन किल की स्विच ऑफ है, और मैं इसको वहाँ पर थोड़ा पूरा करके दिखाना, अब ये इधर दिखाओ, आ गया आ गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे रीफ्यूल, क्योंकि इसमें फ्यूल कम है इसलिए रीफ्यूल के बारे में ये बाइक बता रही है, तो ये चीज़ इसमें आपको फ्यूल फुल करवाना होगा। अब इसके अलावा जैसे ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, ये सारी चीज़ें इसमें मिल रही है। अब यहाँ पर मोड की बटन को अगर मैं सेट करता हूँ, तुम वही दिखाओ क्योंकि इकट्ठे नहीं दिखा पाओगे। यहाँ पर जब आप इस बटन को दबाएंगे तो देखिए इंटर सेटिंग, एक बार और इस बटन को आप दबाएंगे तो ये पल्सर और कुछ कोड बता रहे हैं 9931। यहाँ पर आप देखेंगे इन्फो, IFE और DT, डिस्टेंस टू एम्प्टी, और ये इन्फो यहाँ पर बताएगी। और इसके अलावा जैसे AFE अलग से बताएगी, रियल टाइम माइलेज ये बाइक आपको बताती है, ये बात इस, अरे उजाला हो रहा थोड़ा दिखा, इंटर वार्निंग, अगर आपको वार्निंग देखनी है तो यहाँ पर आप इंटर दबा के रखेंगे और वार्निंग आपको, मैं इंटर करके दिखाई देता हूँ आपको, थोड़ी देर तक आप प्रेस एंड होल्ड वार्निंग रिफ्यूल, वार्निंग जैसे अभी ये वार्निंग फ्यूल जैसे भरवाने के लिए कह रही थी तो उसको मैंने कर दिया। अब मैं एक बार स्विच ऑफ कर देता हूँ और एक बार स्विच ऑन कर देता हूँ इसको फिर से। अब यहाँ पर रिफ्यूल, अब मैं इस बटन को दबाता हूँ इंटर सेटिंग, अब मैं इस सेटिंग में इंटर करने के लिए प्रेस एंड होल्ड इस बटन को दबा के रखूँगा तो इंटर सेटिंग में चला जाऊंगा। अब सेटिंग पल्सर ब्लूटूथ ऑन है और यहाँ पर सेट क्लॉक, आप घड़ी को सेट कर सकते हैं, DTC, DTS 450 किलोमीटर और इस सेटिंग एग्जिट, अब मैं प्रेस एंड होल्ड करके रखूँगा और मैं एग्जिट हो जाऊँगा इसकी सेटिंग से। अब आप पूछोगे कि भाई इसमें कौन सा एप्लीकेशन लगता है, तो देखो मेरे मोबाइल की आप लॉक भी देख लो यार, बार बार मैं छुपाता हूँ तो वो अच्छा नहीं रहता, ऐसे लॉक देख लो, कभी कोई दिक्कत हो तो बताना मोबाइल वोबाइल। बजाज राइड कनेक्ट आपको डाउनलोड करना होगा, ये देखिए इस नंबर को, तो भाई इस अरे यार ये मैं इसको, तो भाई इसमें बजाज राइड कनेक्ट आपको डाउनलोड करना होगा, ये जो एप्लीकेशन है मैं दिखा देता हूँ, बजाज राइड कनेक्ट ये वाला। अब इसमें होगा क्या मैं आपको बता दूँ, जब आप इस बाइक को खरीदेंगे, खरीदने के बाद
जो नंबर आपका रजिस्टर्ड किया जाएगा वहाँ आरसी में या उसमें जो जो भी नंबर आप डलवाएंगे उसी नंबर से ये एप्लीकेशन खुलेगा और उसके बाद आप इसकी स्थिति जैसे राइड के बारे में, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में कहाँ गए कहाँ नहीं गए वो सारी चीज़ें आपको ये बाइक बताएगी, लेकिन उसके लिए आपको कनेक्ट करना होगा। ये इतना आसान नहीं है, वो जब तक आप खरीदेंगे नहीं तब तक इसमें कनेक्टिविटी आपको नहीं मिल पाएगी। तो ये इसके अंदर ये इतना बड़ा फीचर्स आया है कि मतलब फुली डिजिटल मीटर की वजह से ये बाइक देखने में व्यक्तिगत अच्छी लगने लगी है। और एक इस बाइक की खास बात है, इसका क्लच जो है वो सभी बाइकों से जैसे N160 हुई या N150 हुई, इनका क्लच जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, मतलब इतना सॉफ्ट है कि मज़ा आ जाता है। अब देखते हैं ज़रा इसके हेडलाइट को, तो यहाँ पर अभी जैसे स्विच ऑन करने पर इसकी हेडलाइट ऑन नहीं होती है, इसको मुझे ऑन करना होगा इस स्टार्ट करने के लिए। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी दोनों आंखें, ये जो DRL हैं ये ऑन हो चुके हैं, यहाँ पर ये पास ले रही है हाई बीम लो बीम, और यहाँ पर जैसे ये हाई बीम और यहाँ पर ये लो बीम और यहाँ पर ये पास की बटन दिखा रही है। तो ये इसके अंदर फीचर्स है। और बाकी अभी आप देखेंगे ये ड्यूल चैनल ABS के साथ ये बाइक आई है, यहाँ पर अब इसमें आपको ड्यूल डिस्क ब्रेक मिलेगी और पीछे भी प्लेट लगी हुई है, तो बिल्कुल भी आप वो झांसे में मत आना कि ये कोई ABS है, ये सिंगल चैनल ABS के साथ आती है, मैं पहले ही बता दूं। और ये 240 mm की प्लेट है, और इसके अलावा टायर भी आप देख लो 120/80/70 का इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिल रहा है। आगे दिखाना ज़रा, आगे है भाई 90/90/70 का इसमें आपको ट्यूबलेस टायर और MRF के टायर मिल रहे हैं, ज़रा उसका पैटर्न दिखाना टायर का। और 260 mm की आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल रही है, ये देख लें, और ABS इसमें लिखा हुआ है 31 mm का, आप ध्यान से सुन लें, 31 mm का इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। इंजन दिखाना भाई ज़रा, DTSI टेक्नोलॉजी के साथ नहीं आता है, पहले DTSI टेक्नोलॉजी आती थी लेकिन भाई अब इसमें DTSI टेक्नोलॉजी इसमें इस इंजन में नहीं है। और इसमें 149.68 cc का एयर कूल सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, 14.5 hp की पावर मिलती है 8500 rpm पर, 13.5 Nm की टॉर्क मिलती है 6000 rpm पर, 5 गियर इस बाइक में आपको मिल जाते हैं जो कि अच्छी बात है। और इसकी सीट हाइट है 790 में, मैं बैठकर इस पर आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो बराबर पे खड़ी कर देता हूँ, तो 790 mm इस बाइक की सीट हाइट है जिसमें मैं अच्छी तरीके से बैठा हूँ, मेरे पैर पहुँच रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और सिटिंग पोजीशन आप देख लें, ये देख लें, हाथ एकदम सही तरीके से पहुँच रहे हैं, कोई दिक्कत मुझे नहीं, हाथ एकदम सही तरीके से पहुँच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ना तो हाथ ज़्यादा मुड़े भी नहीं हैं, ये देख लें आप, एकदम सही तरीके से मैं बैठा हूँ, कम्फर्ट तरीके से बैठा हूँ। 145 kg इस बाइक का वजन है, और ज़रा आप इसका साउंड सुनाओ भाई ज़रा, अंडर इधर इधर आकर साइलेंसर दिखाना, अंडर बेली एग्जॉस्ट सिस्टम इसके अंदर मिल जाता है, ये आप देख लें, छोटा सा साइलेंसर नीचे है, और इसी की वजह से इसका जो पीछे का डिज़ाइन है वो थोड़ा सा स्पोर्टी लगता है, आप देख लें स्पोर्टी लग रहा है ना भाई। इसका 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस भी है, जिससे जैसे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी जब आप चलाएंगे, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है, ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़िया है। अब ज़रा इसको स्टार्ट करते हैं, और तो भाई आपने इसका साउंड सुन लिया, अब बात उधर से दिखाना ज़रा, अब बात करते हैं भाई प्राइस की, 1,49,900 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है, ड्यूल डिस्क ब्रेक वाली की बात कर रहा हूँ, अगर आप सिंगल डिस्क ब्रेक लेंगे तो 1,42,000 रुपये उसकी ऑन रोड प्राइस है। और उसमें अभी ये डिजिटल मीटर आया है नहीं आया है ये अभी अपडेट आने के बाद मैं आपको बताऊँगा, फिलहाल ड्यूल डिस्क ब्रेक वाली में 1,49,900 मतलब 1,50,000 रुपये ऑन रोड प्राइस में आप इस बाइक को खरीद सकते हैं, और अगर आपका सब कुछ सही हुआ तो 13,000 रुपये डाउन पेमेंट देके आप इस बाइक को खरीद सकते हैं। माइलेज मिलेगी लगभग 45 के आसपास, ऊपर नीचे होता रहता है, ये अब ये चलाने के ऊपर निर्भर करता है। तो बाकी सारे फीचर्स सब कुछ मैंने आपको बता दिए हैं, और सीट हाइट सब कुछ क्लियर कर दिया भाई। आपको इस बाइक की ये नई अपडेट कैसी लगी अपनी राय जरूर दें, वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।